आज भारत के माजी राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, भारत रत्न, वो विश्व रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, इनके यौम पैदाइश के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी रक्तदान शिविर रखा गया है, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद इनके चौक पर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर रक्तदान देते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सारे जो कि हमारे नेता लोग हैं और कार्यकर्ता है और डॉक्टर साहब है, इनके अध्यक्षता में हुई है। और सबसे पहले हम यहाँ के नगर सेवक इमरान खान और गब्बर काजी, यहाँ पर फहीम भाई है और शोएब है और मज़र भाई है, इरफान भाई है, डॉक्टर साहब है, तो इनसे पूछते हैं कि जो भारत के माजी राष्ट्रपति है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और ये मिसाइल मैन भी है, बहुत सारे इन्होंने ऐसे तजुर्बे किए हैं कि भारत को एक ऊंचा मुकाम दिया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले उनकी आज जो यौम पैदाइश करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनसे ये सीख मिलती है कि अपने मुस्लिम लोगों को, हर समाज को, कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। उन्होंने गरीबी में पढ़ाई कर ये बता दिया है कि कहाँ से कहाँ जा सकता है। और जब वो राष्ट्रपति थे तो उन सबसे एक बैग लेकर वो राष्ट्रपति भवन से निकले, वो भी बतला दिया कि वो राष्ट्रपति उतने बड़े पद पर रहते पर भी मैं कुछ नहीं लेके निकला और साथ में कुछ आने वाला नहीं है। और ये सब अपने मुस्लिम, हर समाज, बहुजन समाज, हर लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, उनकी सीख लेते हुए अपन ऐसा ही पढ़ाई करें और ऐसी ही तरक्की करें। इंशाल्लाह आपको भी ये अहदे पर पढ़ाई पहुँचाएंगे, ऐसे ही दो लफ्ज़ कहते हुए मैं अपना रक्तदान शिविर रक्त दान कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इनके जयंती पर? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं हर साल में चार बार देते हैं, हर साल में चार बार देते हैं, ऐसा क्या उन्होंने करे वाले? हाँ, आज APJ अब्दुल कलाम चौक साहब का जो यूम पैदाइश दिन पर आज इस्लामपुरे के पूरे नौजवान इमरान खान हमारे जो जिम्मेदार बनते हैं, जो प्रोग्राम लिए पूरा, उनका बहुत अच्छा योगदान है, रक्तदान शिविर भी रखे है। और आज यूम पैदाइश दिन पर आज अच्छा मौका है कि आप सब लोगों की हम गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर आकर APJ अब्दुल कलाम चौक पर ब्लड डोनेट करें, रक्तदान करें। तो बोलो, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जयंती निमित्त ब्लड डोनेट का कैंप लिया गया है और इस्लामपुरे के सभी नौजवान लोग, बच्चे जैसा कि शोएब, इरफान, हमारे पम्मू भाई, गब्बर भाई, काजी, और सभी लोग रात से मेहनत कर रहे हैं ये कैंप के लिए, और ये कैंप का आयोजन किया गया। और सभी से गुजारिश है कि मोटवासियों से ये आकर रक्तदान दें और ब्लड डोनेट करें। बस नांदेड़ से गुरु गोविंद सिंह ब्लड बैंक की ओर से आए, उन्होंने हमेशा हर साल हमारे को बुलाते, हम उनको हमेशा सपोर्ट करते हैं, ये हम दावा करते हैं अगली बार भी हम सपोर्ट करेंगे। जब पेशेंट को ज़रूरत गिरी तब उनका फ़ोन आ गया, तब वो फ़ोन आ गया तो हम उनको अवेलेबल करके बैग दे देते हैं, उसी वजह से उनका हमारे ऊपर भरोसा है, ऐसा ही भरोसा हमारे ऊपर रहना, ये हम कोशिश करते हैं। शहरवासियों को आज अभिनंदन की बात यह है कि आज
सिलवट नगर पालिका शहर के अंदर नगर सेवक इमरान खान जी और सभी मेरे साथी ने आज एक भव्य रक्तदान शिविर जो कि मिसाइल मैन के नाम से जो अब्दुल कलाम आज़ाद है जिन्होंने एक भारत को नहीं पूरे दुनिया को में अपना नाम रोशन किया ऐसे महान मानव के इसके विचारों को प्रेरित होकर आज इस भव्य रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया है। दोस्तों मिसाइल मैन ने कहा था कि नाराज मत हो ऐ मेरे दोस्त, तेरा भी वक्त आ सकता है, एक अखबार बेचने वाला भी इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है। तो मेरी आने वाले सभी विद्यार्थी और युवकों से मेरी ये विनती है कि अब्दुल कलाम आज़ाद के विचारों पर चलकर हमें पढ़ लिख कर अब्दुल कलाम जैसा ही हमें बनना है। और मैं इस रक्तदान शिविर के अवसर पर इमरान भाई की सभी टीम, इमरान भाई और जो सभी जो जिस जिस भाई और सभी मेरे साथी जो भी है इसके अंदर सोएब भाई और इन्होंने जो रक्तदान का इस्लामपुरा के साथ साथ सभी लोगों ने सहकार्य किया। दोस्तों आज रक्तदान शिविर ये मामूली शिविर नहीं है, ये रक्तदान का शिविर किसी माँ को जाके जो उसका जो बच्चा है एक एक खतरा खून के लिए तरस रहा है उसको इस रक्त की कीमत पूछो। जिसका भाई अगर आज बेड के ऊपर है खून के लिए चंद सांसें ले रहा है, अगर उसको ये खून का खतरा अगर मिल गया तो वो खून उसका एक आने वाला भविष्य उसको ज़िंदगी दे सकता है। जो ऐसा काम इस अब्दुल कलाम के साहब के शुभ माध्यम के अवसर पर जो इमरान भाई, फहीम भाई सब जने ने लिया है एक सराहनीय काम है। तो इनका सभी टीम का मैं अभिनंदन करता हूँ और इनका मैं इस्तकबाल करता हूँ।